हम इस वक्त मौजूद है श्रावस्ती जनपद के हरिहरपुर रानी ब्लॉक गांव कुरसाहा में। आपको बताते चले कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई ताकि इन सभी गरीब पात्रों को आवास मिल सके, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि इन 20 गरीब परिवार के लोगों को आज तक प्रधानमंत्री आवास न मिलने के कारण इन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका दिक्कत रही, जैसे फूस बना मकान और पानी बरसेगा या आंधी आएगा तो लड़के हैं सब नंदाई जी हैं तो कहाँ से दवाई होई। बहुत दिक्कत है ना, पानी बरसे लागे तो कहाँ खटिया गोंदरी नहाए दे, कहाँ चूल्हा चक्की दे दे, कहाँ खाना बना ले, कहाँ को लड़के को बैठा दे। बहुत समस्या है जाना, हवा आ रहे है वहाँ, लड़की बीमार ही उसका पैसा नहीं है, कसके दवाई होगा। बहुत समस्या है ठंडी के मारे, गर्मियों में दिक्कत होते है, चूल्हा जला दो, लड़के बेकू लगा दे टटिया फरकी माँ, घर जर जाएगा। वो कॉलोनी बहुत दूर है जी, कहूँ जाए तो ताला मार दिए, सब चीज समाज के धैर्य, ना कुत्ता खाए ना बिलार खाए, कोई नहीं पाए। हम ऑनलाइन करवाए, इसके बाद में वीडियो साहब और प्रधान जी बताए कि सिक्योरिटी साहब की जाए कि प्रधान जी से कहो ये 20,000 रुपया दे तब आई, मतलब वो दिया जी आवास। सिक्योरिटी साहब प्रदीप कुमार यादव 20,000 मांगा। बड़ी समस्या, जल भराव रहता है, बरखा में बारिश होती है, बहुत बड़ी समस्या है, ठंडी होती है, हवा घर में पास होता है, बच्चे के हैं तकलीफ, बहुत बड़ी तकलीफ होती है, और आंधी तूफान आती है, डर लगता है कि घर धराशाही ना हो जाए, बहुत बड़ी समस्या आती है। 8-10 आदमी है इसे, आबादी कम से कम 300 से ऊपर होगी। आवास मिले हर व्यक्ति को, हर आदमी के जैसे अच्छे आदमी के रहन सहन हो जाए। पानी बरसत है, कड़क तक भेज जाते है, घर पर नाई है, कुछ पल्ली ताने रही मांगे नहा तो की 20,000 रुपया हमें चाहिए, सिक्योरिटी आवास चाहिए, बहुत दूर हो जाए, रहे ठीक से न। इस वीडियो बनाने के बाद में समुदाय में मीटिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई, इसके बाद में अधिकारियों से हमारे फोन पे बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि इन सभी लोगों को जल्द से जल्द को जांच कराकर इन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूले, जिससे इन सभी गरीब पात्रों को जल्द से जल्द आवास मिल सके। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ट के लिए।